वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। कोविड 19 के कारण कई सकारात्मक बदलाव हमारे काम करने के तरीके, हमारी जीवन शैली और हमारी आदतों में भी स्वाभाविक रूप से अपनी जगह बना रहे हैं। आपने सबने भी महसूस किया होगा इस संकट ने कैसे अलग अलग विषयों पर हमारी समझ और हमारी चेतना को जागृत किया है। जो असर हमें अपने आसपास देखने को मिल रहे हैं इनमें सबसे पहला है मास्क पहनना और अपने चेहरे को ढककर रखना। कोरोना की वजह से बदलते हुए हालात में मास्क भी हमारे जीवन का हिस्सा बन रहा है। वैसे हमें इसकी भी आदत कभी नहीं रही कि हमारे आसपास के बहुत सारे लोग मास्क में दिखे, लेकिन अब हो यही रहा। हाँ, इसका ये मतलब नहीं है कि जो मास्क लगाते हैं वे सभी बीमार हैं। और जब मैं मास्क की बात करता हूँ तो मुझे पुरानी बात याद आती है। आप सबको भी याद होगा, एक जमाना था कि हमारे देश के कई ऐसे इलाके ऐसे होते थे कि वहाँ अगर कोई नागरिक फल खरीदता हुआ दिखता था तो आस पड़ोस के लोग उसको जरूर पूछते थे, क्या घर में कोई बीमार है? यानी फल मतलब बीमारी में ही खाया जाता है, ऐसी एक धारणा बनी हुई थी। हालांकि समय बदला और ये धारणा भी बदली। वैसे ही मास्क को लेकर भी धारणा अब बदलने वाली ही है। आप देखिएगा, मास्क अब सभ्य समाज का प्रतीक बन जाएगा। अगर बीमारी से खुद को बचना है और दूसरों को भी बचाना है तो आपको मास्क लगाना पड़ेगा। और मेरा तो सिंपल सुझाव रहता है, गमछा मुंह ढकना है। कोरोना का खतरा अभी भी बना हुआ है। महाराष्ट्र में ये चिंता और जरा ज्यादा है और इसलिए मेरी महाराष्ट्र के सभी नागरिक भाइयों बहनों से करबद्ध प्रार्थना है कि चेहरे पर मास्क, बार बार हाथ धोना, साफ सफाई रखना, दो गज की दूरी, इन नियमों में बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी है। हमें हमेशा याद रखना है, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। हमें यह लड़ाई जरूर जीतेंगे, जीतनी है जीतेंगे। अभी कुछ महीने पहले हमने एक ग्रेडेड एक्शन प्लान बनाया था, मतलब ये कि अगर कोरोना इतना परसेंट हो जाएगा तो हम ये चीज़ें बंद करेंगे, इतना परसेंट हो जाएगा तो हम ये चीज़ें बंद करेंगे। वो इसलिए बनाया था ताकि हर बार रोज़ बैठ के देखना ना पड़े, यार ये कर दें, ये बंद करें, ये बंद ना करें, ताकि एक साइंटिफिक तरीके से पता रहे कि भाई इतना कोरोना हो जाएगा तो ये बंद कर देंगे, इतना कोरोना हो जाएगा तो ये बंद कर देंगे। उसमें हमने लिखा था कि अगर 0.5% से ज़्यादा पॉजिटिविटी रेट होगा दो दिन तक लगातार तो ऐसे हालात के अंदर येलो लेवल आ जाएगा, एक लेवल वन आ जाएगा और उसमें हम ये चीज़ें बंद करेंगे। तो 0.5% से ज़्यादा दो तीन दिन से चल रहा है, इसीलिए लेवल वन जो है ग्रेडेड एक्शन प्लान का, उसको लागू करने का निर्णय लिया गया है। कुछ चीज़ों के ऊपर पाबंदियां लगाई जा रही हैं, इसकी पूरा डिटेल्ड ऑर्डर आपके सामने आ जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ों पे क्या क्या पाबंदियां लगाई जा रही हैं। लेकिन ये पाबंदियां आपके लिए लगाई जा रही हैं। मैं जानता हूँ आप सब लोग थक चुके हैं, 2 साल हो गए कोरोना को, 2 साल के अंदर इतनी बार
इतनी बार पाबंदियां लगी कि आप सब लोग थक चुके हैं, लेकिन क्या करें, ज़रूरी है, आपकी सेहत ज़रूरी है, आपकी ज़िंदगी ज़रूरी है, इसलिए ये पाबंदियां लगाई जा रही हैं। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप सब लोग इन पाबंदियों का ज़रूर से ज़रूर पालन करें। औद्योगिक और व्यापारिक गतिविधियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, 2 गज दूरी का पालन करते हुए कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इसको हम लोग इस समय फोकस कर रहे हैं। और इसी के लिए आज 2 बजे के बाद हमारी प्रदेश की गाइडलाइन प्रदेश के अंदर जारी होने जा रही है।